But the craft we आदाब आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और मैं हूँ आपके साथ यासमीन खान अभी रिपब्लिक डे के मौके पे 110 लोगों को पद्मश्री का अवार्ड दिया गया और उनमें से एक हमारे कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं जिनका नाम गुलाम नबी डार है और गुलाम नबी डार एक आर्टिस्ट है और उनको अपने आर्ट के लिए ये अवार्ड दिया गया बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए सबसे पहले आपको मुबारकबाद इस अचीवमेंट के लिए जी अब हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आपको मिला है पद्मश्री तो किस तरह से आप इस अचीवमेंट को देखते हैं जब ये अवार्ड के बारे में जब सुना है हमारे घर घर में ऐसी खुशी की लहर आ गई है जो तो आज तक नहीं देखी मैंने तो तब से जो मुबारकबाद भी आ गया उधर से अब हम सब खुश हैं हम शुक्रिया करते हैं आप लोगों का भी उन लोगों का भी जिन्होंने दिया है खासकर कर साहब के भी है और सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि हम मैं मेरे तो हम गुमान नहीं था कि मुझे ये अवार्ड मिलेगा ना मैं कभी सोचा है मगर ये अचानक से ऊपर वाले की मर्ज़ी से मुझे अनाउंसमेंट हो तो गई है जब मैंने दे देखा है अब मेरा यकीन है एक ऐसा होगा अभी मैं हैरान हूँ है। मैं तो बहुत खुश हूँ बहुत खुश हूँ जी माशाल्लाह। मुझे बताइए कि एक आर्टिस्ट के लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट होना कितना ज़रूरी है कि वो अपने आर्ट को दुनिया के सामने दिखा सके हाँ, पेश कर सके। हाँ ये ज़रूरी बात है कि जो जो आर्टिस्ट होगा मतलब आप जो बहुत आर्टिस्ट काम करने वाले हैं मगर जो असली आर्टिस्ट होना जिस उसको जब कोई अवार्ड देता है गवर्नमेंट ही देता है ना उसको बहुत हौसला अफजाई हो जाता है बहुत हौसला अफजाई मिलता है उसको उससे उसका वो आगे बढ़ने की और कोशिश करता है जहाँ के मैं इस वक्त में सेवेंटी टू में एज की मेरी है माँ कल से मैं यही सोचता हूँ क्या बनाऊंगा मैं ऐसे चीज बनाऊंगा मैंने जो कभी नहीं बनाया ऐसे सोचूंगा मैं तो इस तरह मतलब हौसला अफजाई हो जाते हैं आगे बढ़ने के लिए ये बहुत बढ़िया है एक कलाकार के लिए जो अवार्ड मिलता जी। है जी, बिल्कुल अभी इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आपको मिला है लेकिन 95 में भी आपको एक अवार्ड मिला था तो थोड़ा उसके बारे में बताइए कि किस तरह से शुरुआत हुई आपकी जर्नी की कैसे शुरू किया और क्यों शुरू किया या। जो आ, जो वो अवार्ड नेशनल अवार्ड जो जब मिला है मुझे तो उसके लिए ज़्यादा मतलब मैं साथ दे दिया है मेरी अहलिया ने शर्क हयात जो मेरी थी वो इस दुनिया में नहीं रही अब मगर उसने बहुत साथ दिया है जब उसने मेरी काम देखा है कारखाने में आती थी वो देखती थी वो ज़रूर बोलता है आपको कुछ ना कुछ मिलेगा आप बना दो कोई बॉक्स बना दो मैं इसको बोलता था कहाँ बनाऊँगा कहाँ भेज दूँगा वो लोग खाएँगे उसको हम तो गरीब है हम क्या करेंगे हमारा साथ कौन देगा मगर ऐसा है अल्लाह तला की मर्जी थे उसने मुझे बहुत ज़िद्द किया है बनाने के लिए एक महीने में कम से कम एक महीने में मैंने वो ज्वेलरी बक्स बनाया है तो उसके उसका फ़ोटो मेरे पास मौजूद है तो जब मैंने वो दफ्तर वालों को हवाला किया है जो वो ज्वेलरी बक्स उन्होंने बोया है डार साहब क्या करोगे तो यहाँ से दस दस साल लगते हैं नेशनल अवार्ड के लिए बीस बीस साल के लिए लगते हैं मुश्किल है आपको मिलना जिसका मुझे आज देखना है तो आज आप भेज दीजिए दिल्ली इस बक्स को हम देखूंगा अगर नहीं मिलेगा तो ठीक है नहीं मिलेगा तो वापस तो आएगा ये पता हाँ वापस आएगा जब एक ही साल में वो वहाँ पहुँच गया उसी साल में मुझे ने, नेशनल अवार्ड मिला प्रेसिडेंट प्रेजिडेंट था श्री दयाल कश्मीर शर्मा तो उसने मुझे मुबारकबाद में जब मेरी लेटर यहाँ पहुँची है तब मुझे पता चला कि मेरी फन में फन में थोड़ा सा कामयाब हो गया हूँ मैं मुझे बहुत हौसला अफजाई मिली है उसके बाद मैंने पूरा कोशिश किया पूरा लगन शौक सारा कुछ कर दिया आगे बढ़ने के लिए यहाँ तक मैं आज पहुँच गया कि आज पद्मश्री श्री मिला बगैर अप्लाई बगैर सोच समझ के आज पद्मश्री श्री मुझे मिला मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और आपने ये आर्ट सीखा किससे आपके मैंटर कौन रहे हैं अगर ये अगर ये आप पूछते हैं कौन कौन उस्ताद है तेरा लेकिन ऊपर वाला मेरा उस्ताद था देखो जो पुराने तो तो कारीगर थे जब मैं उनके पास गया था सीखने के लिए मैंने उनको बताया मुझे शौक़ हो गया आपका सामान मैंने देखा है आपका टूल्स मैंने देखा है आपका सारा कुछ देखा है मैंने मुझे शौक़ हो गया मैं आपका काम सीख दूँगा उन्होंने बताया बच्चा नहीं आप नहीं सीखोगे यहाँ पे बर्दाश्त होना चाहिए इसमें हिम्मत होना चाहिए इसमें सब्र होना चाहिए आप कहाँ सीखोगे मैंने उनको बताया आप सिखा दो किसी ने नहीं सिखाया हता कि कोई जब मैं किसी के कारखाने में जाता था वर्कशॉप में जाता था वो अपने जो ये काम करता था उसके ऊपर कपड़ा डालता था मैं बहुत मायूस हो गया मैं उसके बाद मैंने खुद ही कोशिश किया मतलब मैं पार्कों में जाता था वहाँ देखता था मैं ये फूल अल्लाह ताला ने चढ़ाया कैसे चढ़ाया इसके नीचे से जड़ से ऊपर तक मैं देखता था पेंसिल और कागज ले जाता साथ लिखता था वहाँ तक कोई मतलब फैमिली जा आती थी किसी पार्क में या किसी निशात शालमर में जाता था मैं कभी जहाँ पर भी मैं फूल अच्छा देखता था वहाँ जाता था कोशिश करता था लिखने की पहले बनाने की बात ही नहीं थी और कोई बच्चा पूछता था किसी बाप को भाई ये क्या करता है क्या करता है वो बाप इसको बोलता था कोई पागल होगा चलो चलो आगे चलो आगे मतलब ऐसा हाल हुआ है मेरे साथ बाद में मैं बहुत टाइम होकर मुझे एक कारीगर मिल गया है वो नरवरा में रहता था उसका नौदीन टुकी बोलता था टुकू उसको इसलिए बोलता था वो मशहूर था इस नाम से तो उस मगर जब मैं उसके पास पहुंच गया तो उसकी समझ उसको मैंने सारा कहानी बताई तो जब उसने मेरा सारा हाल सुना उसने बोला ज़रूर आपका शौक़ है बहुत मेरे से भी ज़्यादा है आपको सब्र भी होगा आपको मतलब बहुत लगन है इस काम के साथ अब क्या करूँगा मैं अब मैं बीमार हूँ मैं बिस्तर में हूँ मैं मेरा दाई हाथ दाया तरफ जो सो बेकार हो गया अब मैं आपको समझाऊँगा मगर ध्यान मेरी मेरी बातों की तरफ जाना उसने मुझे बताया और अप आप, आप कोई पेपर लाओ तो मैं आपको लिख कर दे दूंगा क्योंकि मैं पेपर पे किसी को नहीं लिखता मैं फटों पर लकड़ी के फटों पर लिखता उनको तब उसके उसके ऊपर को काम करते हैं मगर आपको कागज़ दे दूँगा मगर बात यह है इस कागज़ को आप सामने रख कर ड्राइंग सीखना जो भी कश्मीर में आर्ट था वो उसने मुझे लिख कर दे दिया उसने बताया मुझे पूरा यकीन है एक ना एक दिन आप मेरे से भी बड़ा कारीगर बनोगे वही बन गया आज मुझे पूरा उसकी याद आती है उसे सही बता दिया तो इसमें मुझे कैसे पता चल गया मैं उससे भी आगे चले गया एक उन्नीस सौ पचानवे मेरा इंटरव्यू चलता था दूरदर्शन में छियानवे में उन्नीस सौ छियानवे में तो वहाँ इंटरव्यू करने वाला वडगांव का था उसने मुझे इंटरव्यू करते करते बहुत सारे बातें पूछी एक बात उसने पूछी उनके भाई डार साहब आज से डेढ़ साल पहले एक पुराने कारीगर ने ए, उसको बोलता है कश्मीर में क्या नक्शा क्या केमा डिज़ाइन वो सबसे बारीक होता है सबसे बारीक मतलब पता होता है उसको उसका वो कारण थी वो उसने बनाया वो मतलब डीप थोड़ा सा ज़्यादा डीप नहीं मतलब उसको बोलता है एक नीर जब हम ठापी से उसको औज़ार को मारता है मतलब तो वो थोड़ा सा नीचे जाता फिर वो निकाल कर वो लकड़ी निकाल कर खुश दूसरा टार उसको बोलता है एक नीर दो नीर तो जब उसने वो मुझे बताया मैंने कहा हाँ वो कारीगर बहुत अच्छे थे मगर आप गए थे डेढ़ साल पहले आज की बात करो मेरे पास डबा है मैंने साया बाकुस लाया है इसमें मैंने पांच नीर यही नक्शा किया और उसके ऊपर पत्ते पर छोटा पत्ता होता था उसके ऊपर मैं अखरोट के तीन बनाए तीन अखरोट इतनी बरीक अच्छा और अंदर से ये खास सारा खाली है उस टाइम पर मुझे बताया मैं तो आगे चला मैं तो आगे हकीकत उसका मुझे याद आ गया टी वी सेंटर में ही मुझे कहा हाँ हकीकत में ये मैं तो बहुत आगे बढ़ गया अल्लाह ताला की मर्जी से जी आ, अब चूंकि आपने डिज़ाइंस की बात की है तो मैंने देखा अभी आपका जितना भी आर्ट वर्क है उसमें फ्लावर्स बने हैं तो दुल्कुल, ये जो डिज़ाइंस है क्या ये आपके खुद के हैं ये खुद की डिजाइन है क्योंकि उनका पुराना डिजाइन कुछ क्यों और मतलब सोच सुनता है जो एक इधर इधर भी है सो वो वो उधर है वो ये पुराना डिजाइन है ये भी मैंने बनाया है इसलिए कि वीडियो में देखने के लिए पुराना डिजाइन कैसा है तो ये जो बाकी जो ये जो डिज़ाइन है ये मैंने नया बनाया है ये भी ऊपर का ये भी बनाया उसमें बहुत चेंज किया मैंने जी, जी, बहुत चेंज किया उसमें मॉडर्न टच बिल्कुल 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 अच्छा इसमें एक पैनल और भी है ये वो ये है ये बहुत बरीक का है बहुत बिल्कुल जी हाँ इसमें यह भी अंदर सब, सब खाली है ऐसे ऐसे में कोशिश करता हूँ जो मैं आज चीज़ बनाऊँगा कल ये होना नहीं चाहिए कल दूसरी का डिज़ाइन होना चाहिए ये मेरी दिमाग में इसी दिमाग में घूमता रहता है दिन भर कभी कभी मेरे साथ ऐसा भी होता है जब मैं नमाज पढ़ता है नमाज़ पढ़ते, पढ़ते पढ़ते भी मुझे कोई कोई फूल दिखाता है जो ने भी आज तक देखा ही नहीं है मुझे याद आता है मैं नमाज पढ़ के जब जल्दी जल्दी आता था कागज ले जाता वो दिखता था मैंने क्या मुझे क्या दिखाया गया और उस फोल को बनाकर रखता है जी। ये हाल मेरे साथ जिस होता है जिस तरह से ये वाला डिजाइन है बिल्कुल तो सपोज इसकी बात करेंगे तो इसको बनाने में अप्रोक्स कितना टाइम लगेगा इसमें इसमें दो महीने भी लगेंगे तीन महीने भी लगेंगे मतलब जितना मतलब डीप होगा ना उतना टाइम ज्यादा लगता है तो ये भी है ये ये बच्चे ने बनाया इसका इस पर उसने अवार्ड ले लिया मेरे बच्चे ने okay. जो आबिद अहमद उसने इस पर अवार्ड ले लिया उसको सर्टिफिकेट वो है वे उसी ने बनाया है मगर उसको मैंने सिखाया है मतलब कैसे कलम चलाना है कैसे अच्छा। तो उसने बनाया उसने भी बहुत पचास परसेंट वो कामयाब हो गया इसमें जी तो मुझे बताइए कि जिस तरह से अब आपने अपने बेटे को सिखाया तो आप बाकी बच्चों को क्यों नहीं सिखा रहे हैं या बाकी है? बच्चे हमारा तो भाई हैं दो थे उनको मैंने सिखाया एक तो इस दुनिया में नहीं रहा एक तो काम करता है नहीं अगर कोई लोकल सीखना चाहे हा मैं तो मैं तो गुजारिश करता हर को मैं तो पैर पकड़ता किसी को जो मैं देखता है मतलब तो कोई गरीब आदमी है ये क्या करेगा इस उस्ताद पर ये क्या देगा उसको छः सौ सात सौ देता है और मैं उसको बताया था क्या करोगे तुम आप आपको तो बच्चे वाले भी है मेरे पास आ वो काम भी करो उसे आपका घर चलेगा जो मेरे पास आओगे मैं आपको पैसे नहीं मांगूंगा मैं आपको सिखाऊंगा कम से कम अगर कम छोटा छोटा मतलब सीखोगे पहले मैं नीचे वाला जीना सिखाऊंगा उसके बाद दूसरा तीसरा एक न एक दिन आप, आप आप में लगन हो जाएगा आप में शौक़ पैदा हो जाएगा सब्र आएगा तो आप एक दिन बड़ा कारीगर बनोगे मगर मेरे पास आता ही नहीं कोई वो डरते हैं जब ये वो देखता है वो हम कहाँ कहाँ करेंगे ये कहा तो आपको पहले ये नहीं करना पहले मैं दिखाऊँगा एलिफ उसके बाद बे उसके बाद तेरह उसके बाद आगे जलूँ मगर कोई मेरे पास डर नहीं है मैं वो बहुत डरते हैं मुझसे मेरे सामने कोई काम नहीं करता जब अगर मैं किसी कारखान में जाता है वो हथियार बंद करते हैं है। है न... उनके न... लिए नौजवानों के लिए मुझे सिर्फ एक गुजारिश है तो गवर्नमेंट से गुजारिश में गवर्नमेंट्स को बहुत बार बताया था अगर वो कोई सेंटर या वर्कशॉप बड़ा सा खोलेगा उसमें वो पढ़े लिखे जो बेकार इस वक्त है बहुत है बहुत बेकार है पढ़े लिखे आदमी नौजवान हैं उनको लाएंगे उनका मा, माकूल वजीफ़ा दिया जाएगा और उनको तो पाँच साल का कोर्स दिया जाएगा उस वर्कशॉप में वो लोग भी लाएंगे जो उस कारीगरों के पास काम करते हैं, जो रफ़ काम करते हैं उनको भी लाएंगे वो भी सीख जाएंगे वो उन वो देख ये देख कर उनको आसान हो जाएगा इस काम को सीखने के लिए क्योंकि अगर उस उस्ताद को ये अच्छा दिल से सिखाएगा मुझे यकीन है कि ये फ़न कभी मरेगा नहीं ये आगे बढ़ेगा तो वो गुरबत भी नहीं रहेगा बेकारी भी नहीं रहेगा तो तब ये फंड जिंदा रहेगा तो गवर्नमेंट जब करेगा और उसमें जब मुआवजा अच्छा होगा और पाँच साल का कोर्स होगा ज़रूर सीखेगा बाद में वो अपना वर्कशॉप खोलेगा कोई परेशानी भी उनकी ख़त्म हो गई और वो और उनको सिखाएगा तो अगर गवर्नमेंट ऐसा करेगा तो ये बहुत बड़ी बात है शुक्रिया 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 अभी जब हम पद्मश्री अवार्डी गुलाम नबी डार साहब का इंटरव्यू करने के लिए यहाँ आए तो यहाँ हमारी मुलाकात हुई एक कश्मीरी पंडित से जिनका नाम आदित्य कितरू जी है और वो खुद यहाँ पे आए ताकि वो सर को मुबारकबाद पेश कर सके तो आदित्य जी आपसे जानना चाहूँगी कि ये किस तरह का प्यार है आपका इनके लिए कि आप पर्सनली यहाँ आपने विज़िट किया इनको मुबारकबाद देने के लिए क्या रिलेशनशिप है देखिए हमारा रिलेशनशिप अगर वक्त वक्त की बात करें तो तकरीबन एक साल का है एक साल से कम का है लेकिन गहराई की बात करें तो बहुत ही गहरा है अब जो आर्ट्स एंड क्राफ्ट में हम हमेशा देखते हैं कि ये कश्मीर के ग्रैंड मास्टर्स कहाँ पे हैं क्योंकि जो हमारा मुल्क है इसको दुनिया में लोग ब्यूटी के लिए नहीं जानते थे अगर आप इतिहास देखें तो सबसे पहले लोगों को कश्मीर के बारे में तब पता चला जब कश्मीर के आर्ट्स एंड क्राफ्ट पीसेस ओवर द सीज़ गए थे सबसे पहले अगर देखा जाए तो पश्मीना शॉल जो पहले गई थी तीन साल पहले नपोलियन की मिसेज़ जोसफिन को तो तब लोगों को पता लगा कि कश्मीर नाम की कोई जगह है सो वी वर नॉट फेमस फर्स्ट बिकॉज ऑफ अ नेचुरल ब्यूटी बट बिकॉज ऑफ द क्राफ्ट वी प्रोड्यूस्ड अब अगर हम अपनी क्राफ्ट की लेगेसी देखें तो हमारी क्राफ्ट की लेगेसी में कुछ गिने चुने अभी मास्टर्स हैं तो वुडवर्क की बात है तो हम रिसर्च कर रहे थे तो हमको डार साहब के बारे में पता लगा इनके बारे में न्यूज़ आइटम्स बड़े देखे तो किस्मत अपनी अपनी की उनके साथ मुलाकात हुई मुलाकात हुई तो उसके बाद डार साहब के साथ एक रिश्ता भी बन गया बहुत सिखाया उन्होंने मुझे वुड वर्क के बारे में इनफैक्ट इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने आज पद्मश्री जीता है क्योंकि अभी ये इंटरव्यू चल रहा है बट समाइम्स डार साहब ऐसा ऐसी चीज़ें बनाते हैं लगता है कि ये डार साहब का हाथ नहीं है लेकिन खुदा इनका हाथ हिला रहा है बिकॉज hmm. जो लेवल ऑफ इमेजिनेशन है इट इज़ दैट ऑफ जीनियस जब आप एक पीस बना रहे हैं जिसमें आप इस डिटेल तक जा रहे हैं कि जहां पे टेबल मुड़ता है वहां पे पोश आपके एज़ दे वुड गो इन रियल लाइफ अलोंग ग्रेविटी वैसे बना रहे इट रिक्वायर्स अ वेरी हाई लेवल ऑफ इमेजिनेशन यू हैव टू बी अ सुपर जीनियस फॉर दैट तो दार साहब इज अ सुपर जीनियस एंड वी हैव अ सुपर जीनियस हु कारव्स ऑन वुड एंड दैट्स वी हैव द फाइनेस्ट पीसेस ऑफ वुड आई थिंक इन द वर्ल्ड हियर विद अस टुडे सो अब दार साहब ने इतना बड़ा सिविटन अवार्ड वो कश्मीर लेके आए सो यू एज़ अ कश्मीरी हाउ डू यू सी दिस अचीवमेंट I think it's a very proud moment for not us as a community, you know, as, as Kashmiris, but I think it's a very proud moment for Kashmir art. Because if you see uh, the level of refinement, which Kashmiri craft gives, whether it's wood carving, whether it's embroidery, it is probably one of the best in the world. If not the best, you know, but you can easily say it's one of the best in the world. Or wahan pe, within that category, you know, Darsab is one of the best. So you have one of the finest artisans in the world. See, Padman Shri is an Indian award. Mm -hmm.

राइट द फर्स्ट थिंग इज लव द्राफ्ट राइट इफ यू स्टार्ट लविंग द कराफ्ट फिर जो आपकी स्किल है उस स्किल से आप ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे जो देख के लोग शौक में आ जाएंगे बट दैट इज़ इफ़ यू लव द कर क्राफ्ट तो अगर आपका पैशन है फॉलो इट अगर आपका पैशन नहीं है राइट right? एंड आप मान लीजिए कह रहे हैं कि लट मी ट्राई माई हैंड एट इट राइट देन आई डोंट थिंक इट्स दिंक फॉर यू बट इफ यू लाइक इट यू शुड परस्यू इट Definitely, definitely, and create these magical pieces and learn from people like Darsa. because they have an ocean of knowledge. He has his knowledge throughout the 70-75 years of his life and he has knowledge that he has gained from people that he has worked with when he was a young, you know, uh, when he was an apprentice with other people. So, this knowledge, this knowledge is not written. This knowledge is of the knowledge, knowledge is You you So, yes he has in fact darsab has been very open to the fact that youngsters can come and learn from him and i think whoever is interested must learn from him because you're going to learn from one of the best and carry that knowledge forward mm -hmm. thank you so much a pleasure thank you